नमस्कार आप देख रहे हैं द बजट स्टोरी और मैं हूं केशव कश्यप बचत आज के समय में बेहद ज़रूरी है और हर व्यक्ति चाहता है कि अपनी गाड़ी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा बचत में ज़रूर रखें लेकिन बचत कैसे करें सवाल बहुत तरीके से होते हैं बहुत अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं लोगों की इनकम कम होती है लेकिन सवाल ज़्यादा होते हैं कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा एक बचत में करें कि आगे चल के जब हमें ज़रूरत हो तो पैसे हमें ज़्यादा मिलें लेकिन सवाल यहाँ उठ ये उठता है कि निवेश हम कहाँ पे करें और सही निवेश हमें कौन सलाह देगा उन सब सारे सवालों के जवाब के लिए हम आज पहुँचे हैं लोक मंगल निवेश लोक मंगल निवेश में हम आज चेतन जैन जी से बात करेंगे जो एक खुद फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं उनसे हम हर पॉइंट पे बात करेंगे और उनसे जाने की कोशिश करेंगे कि निवेश कहाँ पे करना और कैसे करना कितना उचित है तो रांची में आज हम लोक मंगल निवेश में चैतन दिन से बात कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं उनसे ही कि कैसे निवेश करना चाहिए सर हमारे चैनल द बजस्ट्रीम आपका स्वागत है थैंक यू थैंक यू जी सर एक बहुत सवाल मन में होता है मध्यवर्गीय परिवार के लिए कि निवेश का मतलब क्या है बेसिकली ये समझाइए सर निवेश तो देखिए स्टार्टिंग में हम लोग देखें तो उससे पहले अपने को बचत समझना पड़ेगा कि बचत क्या होता है बचत वैसा है जो मध्यम वर्गीय परिवार या नॉर्मल जो आदमी जब पैसा कमा रहे हैं उससे कुछ पैसे को जो है अपना फ्यूचर के लिए अपना बचत कर लें सिक्योर कर लें तो वो बचत है उसके बाद में फिर जब वो बचत हो जाता है तब हम लोग इन्वेस्टमेंट में आते हैं कि फिर हम लोग म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म चला जाता है दस साल पंद्रह साल बीस साल में आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले मैं दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सेविंग बचत करें उसके बाद में इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट में फिर आपका आ जाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू करें आप इंडोमेंट एल पॉलिसीज हैं उसमें करें और कई तरह के गोल्ड बॉन्ड निकलते हैं बॉन्ड वगैरह हैं उसमें आप करें और फिर अभी के समय में आप देखेंगे कि सबसे अच्छा है लोग सुनते होंगे एस वगैरह तो एस वगैरह भी एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम लोग देखते हैं है ना उसमें क्या होता है कि मंथली अपना जो है पैसा हज़ार रुपया दो हज़ार पाँच हज़ार दस तो हज़ार से अपने अकॉर्डिंग अपने कमाई के अनुसार से दे सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल अपना वो अपना वो सेविंग भी हो जाता है और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है तो दो तरह के चीज़ हो गए उसमें सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट है ना तो वो एस आई पी के समय में बेस्ट होगा सर ये लेकिन एक मध्यवर्गीय के परिवार की के अगर हम बात करें सर तो जैसे ठीक है जिनके पास इनकम के सोर्सेज बहुत डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में हैं लेकिन अगर कोई मध्यवर्या परिवार है उनकी इनकम बेसिक अगर हम बात करें सर तो पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार है तो वो बचत को कैसे देखेंगे या इन्वेस्टमेंट को कैसे देखेंगे देखिए सबसे पहले तो वो अगर स्टार्टिंग अपना करना चाह रहे हैं तो मैं ये पर्सनली कहना चाहूँगा उन लोगों को कि सबसे पहले आप एक लाइफ सिक्योर के लिए लाइफ इंश्योरेंस लें लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत तरह के होते हैं टर्म इंश्योरेंस भी होते हैं इंडोमेंट पॉलिसी भी होती है इंडोमेंट पॉलिसी में होता है आपको जो है मैच्योरिटी पे बीमा का जो है वो लाभ मिलता है परिपक्वता का लाभ मिलता है और ला फिर एक टर्म इंश्योरेंस होता है जस्ट लाइक गाड़ी का इंश्योरेंस वगैरह हम लोग करते हैं उसमें क्या होता है कि प्रीमियम अपने को कम देना होता है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये देखें कि अपने का जो लाइफ का जो इंश्योरेंस है ना वो सिक्योर कर लें उसके बाद में जो है वो बचत में आप आएँ तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडोमेंट पॉलिसीज़ वगैरह कई होती हैं एल के कई सारे प्लान्स वगैरह हैं आप उनको देखें ठीक है और उसमें आप इन्वेस्ट करें अब दो हज़ार तीन हज़ार पाँच हज़ार कम से कम एटलीस्ट ये जितना इनकम है यरली सालाना जितना आय होता है उसका मिनिमम जो है वो दस गुना आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए तो पर्सनली बचत करने करना है और इन्वेस्टमेंट भी करना है तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आप एक जो है टर्म इंश्योरेंस लें या इंडोमेंट पॉलिसी लें ले कहना यह है कि लाइफ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है वो लें साथ ही साथ फिर जब अपना इनकम और बढ़ता है तो अपना फिर एस स्टार्ट करें है ना फिर अपना फिक्स डिपॉजिट वगैरह हैं उनको करें आ, उसके बाद में कई तरह के आ, इक्विटी फंड्स वगैरह होते हैं म्यूचुअल फंड्स में होते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना वो करें लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल लाइफ इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस सेकेंड पार्ट में हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत लोगों का सवाल होता तो, है कोरोना के बाद हमने बहुत सारा देखा है तो आ, हेल्थ इंश्योरेंस में कौन सा इंश्योरेंस सबसे बेस्ट होगा आ, अगर इंडिविजुअल हैं तो इंडिविजुअल पॉलिसीज वगैरह होती हैं जिसमें आप ये देख लें कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत तरह के मार्केट में बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी हैं जो इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं तो सबसे पहले अपने नीड के अनुसार में और क्या क्या, -क्या टर्म एंड कंडीशन है उनको आप देख लें आपको हॉस्पिटलिटी में कितना आपको बीमा कवर देगा क्या 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 चीज़ का नहीं देगा आ, उसमें कई सारी बीमारियाँ ऐसा हो, ऐसा होती हैं कि जो दो साल के बाद कवर करती हैं तीन साल के बाद कवर करती हैं इमीडिएट करती हैं एक्सीडेंटल केस में इमीडिएट होता है लेकिन कई सारी जो बीमारियाँ हैं जैसे कि आपका पाइल्स हो गया स्टोन हो गया मोतियाबिंद हो गया ये सब बीमारी नॉर्मली जो है कई पॉलिसी चीज़ में एक साल बाद कवर में है दो साल बाद कवर में है तो ये सब चीज़ को आप पहले देख लें तो बीमा पॉलिसी इंडिविजुअल भी ले सकते हैं फैमिली है तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा वगैरह इस्टारेल्थ का ये है आप उसमें भी देख सकते हैं है ना तो फैमिली प्लान भी है इंडिविजुअल लेना चाहते हैं वो है सीनियर सिटीजन सी के लिए हैं तो आप जितना जल्दी हो सके आप यंग एज में जितना लेते हैं तो प्रीमियम कॉस्ट अपना जो है वो कम पड़ता है है ना तो आप उसको अपना देख सकते हैं अपने लाइवलिटी के अनुसार अपना कंडीशन देख के उसमें सर कुछ दर्शकों के सवाल हैं जो हम आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कुछ हमारे पास यहाँ पे सवाल हैं सर कि क्या मुझे एनपीएस खाता खोलना चाहिए आ, बिल्कुल एनपीएस जो है नेशनल पे, पेंशन स्कीम है पीएफआरडीए के वो रेगुलेट करती है इनको एन पी एस में आप ये देख लें कि ए टी सी का रिबेट मिलता है और साथ में अलग से भी जो सेक्शन है उसमें भी आपको पचास हज़ार का अलग से बेनिफिट मिलता है तो सबसे पहले आप ये देख लें कि एन पी एस वगैरह जो है आप में देखिए उसमें एनपीएस को यह समझना पड़ेगा कि एनपीएस आप जो पैसा डालते हैं एनपीएस में पैसा जो है ना साठ साल के बाद ही मिलता है पार्शियल विड्रॉल भी जो है वो एक टर्म कंडीशन के बाद में जो है वो, वो पैसा मिलता है हाँ वो पार्शियल जो है ना वो ट्वेंटी फाइव परसेंट ही विड्रॉल हो पाता है उसमें तो और सबसे बड़ा बात है कि आज अगर यंग एज में कोई थर्टी ईयर्स से ट्वेंटी तो फाइव में है तो वो पेंशन में डाल रहे हैं कुछ पैसे को डालना चाहिए अपना एक बार वो देख लें हमारे पास आ सकते हैं अगर कोई अगर वैसे हो तो उनको सजेस्ट करते हैं देखिए सभी का नीड अलग होता है सभी के लेबिलिटीज़ अलग होती हैं तो ये कहना कि एन खाता जो है वो खोलना नहीं चाहिए चाहिए तो वो देखिए वो कस्टमर पे प्रोफाइल पे डिपेंड होता है है ना तो एन के बारे में मैं ये जस्ट बता देता हूँ कि एन में दो तरह के होते हैं टायर वन होते हैं टायर टू अकाउंट होता है टायर वन अकाउंट जस्ट म्यूचुअल फंड की तरह होता है कि कभी वो पैसा आप डाल लिए कभी वो पैसा जो है विड्रॉल कर लिए टायर टू अकाउंट जो होता है वो आपको ये देखना होगा कि वो साठ साल के बाद निकलता है उसमें जो पैसा लगता है वो भी मार्केट पे लगता है क्योंकि अपने के पास समय होता है आठतीस साल का कोई बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो तीस साल का होराइजन पीरियड होता है तो डेफिनेटली जो है वो समय के दौरान जो वो पैसा बढ़ेगा तो रिटर्न जो है अपने को दस बारह परसेंट से ज़्यादा भी रिटर्न जो अपने को आ सकता है तो समय, बात यहाँ पे है कि आपको समय देना पड़ेगा उसमें है ना तो एक एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और सवाल हमारे दर्शक सर जो बारीकी से पूछना चाह रहे हैं एक और सवाल सर बहुत जनरली हमने देखा है कि कि अभी के समय में कि म्यूचुअल फंड अगर कम है तो क्या एस को बंद कर दें देखिए रिटर्न्स तो सवाल होता है सर कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स कम है तो एस में बेनिफिट नहीं है बंद कर दें नहीं नहीं देखिए जिस समय मार्केट डाउन होता है मार्केट गिरा होता है तो मैं भी अपने क्लाइंट को बोलता हूँ और उनको बताता हूँ उनको गाइड करता हूँ देखिए जाहिर सी बात है लोगों का पैसा लग गिरता है तो खराब लगता है आज के डेट में वो सभी को पता होता है कि मेरा पैसा कहाँ कितना हो रहा है चूँकि मोबाइल डिजिटली जो है उनको आज प्रोवाइड होता है तो वो देखते हैं कि भाई मैं पैसा डाउन हो गया है तो देखिए मार्केट का एक सीनारी होता है पाँच साल का एक बिना साइकिल होता है तो जिस समय आप पैसा डाले हो सकता है वो साल भर के बाद में आपको रिटर्न नहीं आए हो सकता है मे बी कि आपका जो पैसा इन्वेस्टमेंट है चूँकि आपने इनिशियली स्टार्ट किया था तो साल के बाद पैसा जो है आपका उतना रिटर्न नहीं बना पा रहा है लेकिन इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है आप आ, आप उसमें रहें संयम की जरूरत संयम संयम रखें और दूसरी बात है कि जिस समय मार्केट डाउन होता है एक्चुअल में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट का सही पॉइंट ऑफ टाइम वही होता है आप उसमें पेशेंस रखें देखिए नॉर्मली मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई पैसा लगाते हैं या आप एफ करते हैं तो एफ़ में आप पैसा लगाएं तो पाँच साल का एफ डी मान लीजिए आज आपने लाख रुपये लगाया वन लाख रुपये आपने डिपॉजिट किए हैं आपको कि वन वन लाख फिफ्टी थाउजेंड जो है डेढ़ लाख रुपया पाँच साल के बाद मिलेगा तो आपको तो ये पता है कि डेढ़ लाख रुपया मुझे मिलेगा तो क्या आप हर साल आप उसको देखते हैं क्या एफ को निकाल के कि भाई और कितना बन गया कितना बन गया बन गया अपने को पांच साल एफ डी है दस साल के लिए अगर एफडी कर रहे हैं तो पता है कि भाई दस साल के बाद अपने को देखना है हाँ इमरजेंसी में ज़रूरत आ जाती है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे डाउन मिलता है तो एज़ इट इज़ आप ये चीज़ देखें कि जब आपने कमिटमेंट किया है कि भाई पाँच साल सात साल आठ साल अपने को समय देना है तो आप उसको समय दीजिए मार्केट में वो उस दौरान जो है दो साल तीन मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा ही वही रिटर्न भी बनाता है है ना दस रुपये का अगर नैव है दस रुपये का कोई चीज़ अगर आपको आठ रुपये मिल रहा है तो आठ रुपये का चीज़ आपने खरीदा सस्ता में माल खरीदा है सस्ता में नैब परचेज हुआ यूनिट परचेज हुआ यूनिट परचेज है ना तो उसको क्या है कि आने वाले समय में फिर वो रिटर्न जब बनता है ना तो आपको एवरेज रिटर्न हम लोग बोलते हैं तो काफी अच्छा रिटर्न आता है तो जब एस अगर गिर रहा हो है ना रिटर्न नहीं बन पा रहे तो थोड़ा समय वेट करें और आप अभी आप देखेंगे कि मार्केट जो है अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है जितने लोग ने पेशेंस रखा उनका ह्यूज रिटर्न आया है पिछला तीन साल में भी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 16 से 17 परसेंट का रिटर्न उनको मिला है अभी जो सेंसेक्स आपका फोर्टी नाइन थाउजेंड में सेंसेक्स चल रहा है तो रिटर्न काफ़ी अच्छा मिला है तो उनको और बाकी जो विड्रॉल हो गए थे बीच में तो उनको रिटर्न नहीं बन पाया लेकिन जिन्होंने पैसेंस रखा जो पुराना इन्वेस्टमेंट है वो कर रहे हैं तो उनको अच्छा रिटर्न सोलह सौ सत्रह परसेंट का रिटर्न तीन साल चार साल पाँच साल में आ जाना एक मायने रखता है सर कोरोना रक्षक है या कवच किस तरह से आप कहना चाहेंगे इसको कोरोना रक्षक और कोरोना कवच दो पॉलिसीज आई हैं इस्पेशली इस, इस, इस पैंडमिक सिचुएशन में हर एक इंश्योरेंस इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस आपने सर कैसे अपने जो ग्राहक होते हैं ये जो आते हैं उनको कैसे आप गाइड करते हैं देखिए कई आ, लोग होते हैं जो कि जिनका इंश्योरेंस पहले से लिया हुआ होता है हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने ली हुई है स्पेशली गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि एक स्पेशल पॉलिसी निकाला है जिसमें कि आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता है हज़ार पंद्रह सौ दो हज़ार पाँच लाख रुपये का अगर आप लेते हैं तो करीब यहाँ इसमें तीन हज़ार रुपये के आसपास प्रीमियम आता है आपको साढ़े नौ महीने के लिए जो है आपको कवर उसमें होता है तो उसमें क्या है कि आपको हॉस्पिटल में डे केयर का जो भी आपका हॉस्पिटल का बिल बनता है ठीक है पीपी पी, -पी किट वगैरह का सारा का जो कवरेज उसमें होता तो नहीं चलिए उनको ले लेना चाहिए कोरोना रक्षक पॉलिसी लोगों के मन में सर बहुत सारा सवाल होता है कि लोग अगर किन्हीं आम पब्लिक को कहें कि आपने इंश्योरेंस कराया है कि नहीं आप भी किसी आप भी कहीं सर जाते होंगे मिलते होंगे तो लोगों का रिएक्शन थोड़ा सा अलग बता रही है कि इंश्योरेंस की मुझे क्या जरूरत है तो ये मनोदिशा यह जो मनोभावना लोगों की है सर उसको आप कैसे काटते हैं सर सामने वाले को देखिए बहुत जनरली सर आपको भी सुनने को मिलता देखिए इंश्योरेंस की जरूरत तो मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए अखबार हमारे घर में आता है बिल्कुल ठीक है हमें न्यूज़ देता है पढ़ते हैं हम लेकिन आप ये देख होंगे कि हर घर में पॉसिबिलिटी ये चीज़ होती है कि जब तीन महीना चार महीना छः महीना हो जाता है तो अखबार जब पड़ा होता है हमारे पास एक लग जाता है तो हम लोग तो जो बेचने वाले आते हैं उनको मैं वाला जो बाड़ी वाले आते हैं उनको सेल कर देते हैं तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक अखबार भी जब वो जाता है ना तो कुछ दे के जाता है है ना तो जब यहाँ पे अगर किन्हीं कई क्लाइंट होते हैं कि नहीं मेरे पास काफ़ी प्रॉपर्टी है काफ़ी कुछ है सब कुछ मैंने कर दिया है ये है तो लेकिन आ, हमको मुझे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है देखिए हर एक आदमी का ह्यूमन वैल्यू होता है आपका प्रॉपर्टी है तो उसमें लाइवलिटीज़ भी होंगी इंपॉर्टेंट हाँ वो लाइवलिटीज़ भी हैं आपका लोन चल रहा होगा तो सब के लिए अगर मान लीजिए लोन लिया हुआ है आपका बैंकों से और अचानक से आपने दस करोड़ का लोन लिया हुआ है हर कुछ हो जाए ना करें तो वो बटन जो है बिजनेस पर इफेक्ट करेगा तो ऐसे में क्या है ना कि अगर आपका इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह लिया हुआ है तो वो लोन जो है वो फुलफ़िल हो जाता है ठीक है बाकी जो है अगर आप इंश्योरेंस कर रहे हैं देखिए इंश्योरेंस में आप जो है ना इंडोमेंट आप उसमें देखें कि इंडोमेंट पॉलिसीज़ भी हैं जिसमें आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको छः सात परसेंट का रिटर्न लंबे समय में और अच्छा रिटर्न जो है आपको आता है तो आप एक सेविंग के पॉइंट व्यू से आप ये देख सकते हैं कि मुझे ठीक है इंश्योरेंस नहीं चाहिए तो भाई सेविंग तो चाहिए ना हम सेविंग कर रहे हैं अपना वहाँ पर पैसा मेरा बनेगा तो देखिए बात यह है कि अलग अलग आदमी का लेकिन आज लोग अवेयर हो गए हैं लोग मे खुद जो है वो बोलते हैं कि नहीं मुझे पॉलिसी कोरोना रक्षक कोरोना कवच वो उन्होंने लिया और उसके बाद मुझे नहीं, नहीं कुछ बीमारी आजकल तो कुछ पता नहीं है भाई क्या हो जाए तो सही तो बात, जा? बात है यंग एज में बहुत सारी बीमारी ऐसे आप देखते होंगे हार्ट अटैक वगैरह जो आज की स्थिति है उसमें क्या बीमारी कब आ जाए तो पता नहीं होता है इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लोग खुद से करते हैं लाइफ इंश्योरेंस भी लोग समझ रहे हैं कि आज की स्थिति में लाइफ का भी जो है वो कुछ नहीं गारंटेड नहीं है सर कुछ नहीं? भी गारंटेड नहीं है बिल्कुल कुछ भी नहीं है तो उसमें क्या है कि लोग चाहते हैं कि नहीं अपना लाइफ इंश्योरेंस जो है चाहे वो टर्म इंश्योरेंस के थ्रू चाहे इंडोमेंट के थ्रू वो लोग करते हैं सर अपने लोक मंगल निवेश में आप इतने दिनों से लोगों को या आपने कहा काफ़ी सेमिनार किया होगा सब कुछ किया होगा तो यहाँ पर सर किस किस तरह के लोगों को आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को Uh, देखिए सभी हमारे क्लाइंट हमारे बिजनेसमैन क्लाइंट है सर्विस क्लास है इवन आप बैंकों में जो जॉब करते हैं वो हैं सारे तरह के क्लाइंट प्रोफाइल हमारा सभी तरह के लोग हैं तो जिनको जैसा रहता है वो उनको गाइडेंस प्रोवाइड होता है तो यहाँ जो सब हमारे दर्शक हैं जो बज स्टोरी के दर्शक हैं सर या फिर शाम जो, जो खबर को देखेंगे तो उनको आप क्या सलाह देना चाहते हैं इंश्योरेंस को लेकर के ले करके देखिए केशव जी मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में या बचत करने के आप सोच रहे हों तो ज़रूर से लोक मंगल निवेश को याद रखें आप आएँ आपको यहाँ पे जो है सही सही जानकारी मिलेगी सही गाइडेंस मिलेगा आपको आ, क्या करना चाहिए मेरा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं है या मेरा चल रहा है म्यूचुअल फंड में मेरा पोर्टफोलियो है रिटर्न उसमें नहीं बन पा रहा है तो हमारे यहाँ जो पोर्टफोलियो को फिर से चेक किया जाता है रिवाज किया जाता है कई फंड वगैरह आपको चेंज करना है वो सारा चीज़ जो है वो आपको मिलता है हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है कौन सा ज़रूरी है लाइफ इंश्योरेंस कौन सा ज़रूरी होगा एस कौन सा करना चाहिए, करना चाहिए किस में करना चाहिए कितने समय के लिए करना चाहिए तो सारी जानकारियाँ है जो हैं आपको यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे सर हमसे बात करने के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू थैंक यू धन्यवाद कैसे हो जी? ये थे चेतन जान लोक मंगल निवेश से सर ने बा एक बुनियादी तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं उसको काफ़ी अच्छे तरीके से सामने रखा है और इन्होंने एक बहुत अच्छा पेपर का एग्जाम्पल दिया कि घर में हमारे यहाँ पेपर आता है वो भी जब एक साथ काफ़ी जमा हो जाता है तो जब उसको हम बाहर देते हैं कबाड़ी वाले को या जो कचरा वाला था उसको देते हैं तो वो भी कुछ दे के जाता है एक बहुत बड़ी बात है जिन्होंने ना जीवन को एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे सेट किया है और निवेश कितना ज़रूरी है और अभी के समय में कोरोना के बाद जिस तरह से लोग अपने जीवन को अनसिक्योर्ड महसूस कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल उनके मन में चल रहे हैं तो चेतन जी ने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया है ये हमारा पहला एपिसोड था हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट जेतन जी जैन जी से हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और उनसे जो भी आपके सवाल होंगे वो हमें ज़रूर टेक्स्ट करें इस खबर को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल द तो बज स्टोरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें लेकिन इस खबर को अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें बिजनेस की ऐसी ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे आप देखते रहिए द बज स्टोरी शुक्रिया